Hello friends, today we are going to discuss about MOS, that is MOS. What does it mean? That is metal oxide field effect transistor. So we call it as MOSFET, or we also say this as MOS. MOFET, that is metal oxide field effect transistor. In short form, we call it as MOSFET. Okay, so today in this particular video, we are going to see that how a MOSFET can be act as a switch. So switch, whenever we call as a switch, switch means it has to be a digital switch. That means the switch, it has to be a digital switch. The moment we call it as digital switch, it means either it will operate 1 or it will operate 0. So please try to understand that what does it mean by a switch. कोई भी डिजिटल स्विच जो होता है वो डिजिटल स्विच हम लोग MOSFET से बना सकते हैं. तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये MOSFET से कैसे हम लोग डिजिटल स्विच बनाते हैं. इट इज वेरी इजी एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव मेड ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ MOS कैन बी एक्टेड एज अ स्विच. चलिए देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द MOS सिंबल. सो जो MOSFET का सिंबल है वो कैसा होता है. MOSFET का सिंबल हमने पहले भी बोल चुके हैं कि ए MOSFET इज ऑलवेज हैविंग 3 टर्मिनल्स. व्हाट आर दे? सोर्स, एस फॉर सोर्स, जी फॉर गेट एंड डी फॉर ड्रेन. तो ये जो टर्मिनल है, ये 3 टर्मिनल MOSFET के होते हैं. अब इसमें अगर मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो उसके लिए इसको बोला जाता है NMOS. इफ द मेजोरिटी कैरियर्स आर ओनली इलेक्ट्रॉन्स, then we call this kind of MOSFET as NMOS. If the majority carriers are holes, then we call this kind of MOS as PMOS. तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ये जो सिंबल है, इसमें ये गेट टर्मिनल में एक बबल लगा हुआ है, तो इसके लिए ये जो सिंबल है इसको PMOS बोला जाता है. हालांकि बाकी जो टर्मिनल्स है वो सेम रहता है. ठीक है, तो ये समझ में आ गया हम लोग को दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NMOS एंड PMOS, जो कि मेरे अर्लियर वीडियोस में मैं बोल चुका हूं इसके डिटेलिंग में, कि MOSFET का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो है वो कैसे होता है, हाउ टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ MOSFET. ठीक है, तो आज इसके ऊपर बात नहीं करेंगे. इसके ऊपर बात करेंगे कि ये MOSFET से हम लोग एक डिजिटल स्विच कैसे बनाते हैं. तो सिंस वी कैन गेट दैट NMOS, इट इज मेनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स, where the electrons will be acted as the majority carriers. Similarly, in PMOS, where the bubble is shown here, there the majority carriers will be holes. Now, using MOS, we can use a digital type of technology. That means, digital applications में we can act as a switch. कैसे? उसके लिए एक circuit operation हम लोग को चाहिए. ये पहला तो बात है कि यहाँ पे जो digital switch की तरह काम करता है, माने यहाँ पे दो operations होता है, या तो 1 या तो 0. तो द सेम ऑपरेशन हम लोग को कहां पे मिलता है? द सेम ऑपरेशन फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द सेम ऑपरेशन ऑफ ए डिजिटल सर्किट, इट इज नथिंग बट ए द सेम ऑपरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए डिजिटल इन्वर्टर, फ्रॉम ए डिजिटल इन्वर्टर. ठीक है, तो प्लीज याद रखिए, डिजिटल इन्वर्टर से ये सेम चीज, सेम ऑपरेशन बनते हैं. तो डिजिटल इन्वर्टर माने नॉट गेट, इसको हम लोग नॉट गेट भी बोलते हैं. राइट, इसको नॉट गेट भी बोलते हैं. तो नॉट गेट का सिंबल कैसे होता है, एक बार याद कर ले. नॉट गेट का सिंबल होता है ये, जिसमें ओनली 1 इनपुट विल बी देयर एंड 1 आउटपुट विल बी देयर. तो अगर यहाँ पे कोई भी इनपुट मान के चलिए अगर ए है, तो उसका आउटपुट क्या होगा? उसका आउटपुट में बबल लगा हुआ है और उसका आउटपुट होगा ए बार. तो इसका जो ऑपरेशन से वो समझने के लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता था? ट्रूथ टेबल. सो इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आई हैव गॉट फ्यू वीडियो लेक्चर्स ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां पे रेफर किया हुआ है कि कैसे इसको ट्रूथ टेबल में डाला जाता है. तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं. तो इसका ट्रूथ टेबल क्या है? नॉट गेट का जो ट्रूथ टेबल है बहुत सिंपल है. सो ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट, तो ट्रूथ टेबल बनता है, एक टेबल है जिसमें इनपुट्स और आउटपुट रहते हैं. राइट, तो यहां पे हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर इन नॉट गेट? ओनली 1.
सो वी विल प्लेस इन दिस पर्टिकुलर इनपुट साइड और ये आउटपुट साइड। तो नॉट गेट में अगर एक टर्मिनल है तो उसका कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, दो कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर दो इनपुट होगा तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, चार का बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है वो 2n से बनता है और n जो होता है वो वेरिएबल से बनता है। यहाँ पे n कितना है इन्वर्टर के लिए, n इक्वल टू 1 है, तो 2n माने कितना हुआ, 2। ठीक। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर इनपुट कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक है तो उसका वेरिएबल माने कितना कॉम्बिनेशन आएगा, दो। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि अगर सिंगल इनपुट है तो कितना कॉम्बिनेशन आएगा, आइदर 0 और 1, राइट। तो यहाँ पे अगर दो इनपुट होता जो कि नॉट गेट में नहीं होता है, अगर दो इनपुट होता तो कितना कॉम्बिनेशन होता, चार। क्या क्या होता, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल नॉट गेट के लिए क्या होगा, यहाँ पे जीरो अगर इनपुट है तो उसका आउटपुट क्या होगा, ऑपोजिट होगा। सिमिलरली फॉर 1 व्हाट विल बी द आउटपुट वी विल गेट, 0। सो दिस ट्रुथ टेबल आई नीड टू ऑब्टेन। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका अगर एक नॉट गेट है, ये जो डिजिटल नॉट गेट है इसका अगर हम लोग मॉसफेट में देखेंगे तो ये ट्रुथ टेबल सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। आज का वीडियो इसी के ऊपर है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक मॉसफेट बनाए हैं, ठीक है। तो ये मॉसफेट से इन्वर्टर कैसे बनता है, माने हाउ द मॉस कैन बी एक्टेड एज एन इन्वर्टर, ठीक है। तो मुद्दा ये है, तो इन्वर्टर के लिए एक बात जान ले कि ये मॉस सिर्फ अकेले मॉस से नहीं बनता है, इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पी मॉस और एन मॉस। तो मेरे वीएलएसआई का जो जितना भी सारे बेसिक वीडियोस है जो डे ऑन माई प्लेट पोर्टल में है, उसमें आप एक बार रेफर कर लीजिए कि अगर मेरा एक इन्वर्टर बनना है तो मुझे सिर्फ एक पी मॉस और एक एन मॉस चाहिए। तो जैसे मैं बोला था कि ऊपर में मुझे यहाँ पे देखो कि यहां पे अगर मैं एक सीमॉस बनाता हूं तो कैसे डिजाइन बनता है, देखिए एक बार। ये होगा सीमॉस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीमॉस का कॉम्बिनेशन से एक पीमॉस और एक एनमॉस लिया तो मेरा बन गया सीमॉस इन्वर्टर का सर्किट, ठीक है। ये मेरा बन गया सीमॉस इन्वर्टर का सर्किट बन गया मेरा। तो सीमॉस इन्वर्टर में क्या होगा, अभी सीमॉस इन्वर्टर में इनपुट यहां पे मैं डालूंगा तो इसमें मैं इनपुट यहां पे लिखा, बहुत सिंपल है, और यहां पे मैं आउटपुट लिखा, ठीक। और जैसे आप जानते हैं कि ऊपर में जो सर्किट होता है इसको पुल अप नेटवर्क बोला जाता है, जो कि हम लोग PUN से बोलते हैं, और नीचे जो रहता है नेटवर्क जो होता है VLSI में इसको पुल डाउन नेटवर्क बोला जाता है। पुल अप नेटवर्क में पीमॉस सारे रहता है, यहां पे सिर्फ एक पीमॉस है तो दैट इज व्हाई वी आर ओनली टेकिंग 1 पीमॉस। सिमिलरली हेयर ऑल्सो सिंस यू नीड टू रिमेम्बर ऑल्सो वन थिंग, दिस इज ए वेरी मिरर सर्किट, ओके। दैट मीन्स अगर पुल अप नेटवर्क में आपका 4 पीमॉस है तो पुल डाउन नेटवर्क में भी 4 एनमॉस होगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, अगर इन्वर्टर बनाना है तो एक पीमॉस एक एनमॉस से वो कॉम्बिनेशन बनता है सीमॉस का, राइट। तो यहाँ पे एक अप में चला गया वो पीमॉस का, वो ड्राइव करेगा लोड को, तो उसमें VDD कनेक्शन कर दिया यहाँ पे, और पुल डाउन जो ट्रांजिस्टर है उसको मैं ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही नहीं कनेक्ट किया, इसका भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है उसको मैं फिर एक बार रिविजन कर लेता हूँ। वो लॉजिक है कि पीमॉस कैन इजीली ड्राइव द सप्लाई वेरी इजीली, ड्राइव माने वहां पे जो सप्लाई वोल्टेज है वो लॉजिक 1 से बनता है। तो याद रखिएगा कि पीमॉस कैन इजीली ड्राइव लॉजिक 1 वेरी इजीली बिकॉज ड्यू टू इट्स इनहेरिट नेचर, और जो ये एनमॉस है एनमॉस कैन इजीली पास लॉजिक 0 इजीली, तो इसीलिए इसको पुल डाउन में रखा जाता है, ठीक है। तो अगर ये इन्वर्टर हो गया तो यहाँ पे मैं अभी इस्तेमाल करके देखूंगा कि एक एक इनपुट, ठीक है। तो पहला यहाँ पे इनपुट लॉजिक क्या डाला गया है, 0। तो इसमें हम लोग एक चीज देख लेते हैं, इसमें मैं रेड कलर से इसको दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन, ये पहला कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या तो पहला केस भी हो सकता है, केस 1 और सिमिलरली केस 2। तो केस 1 में देख लेते हैं यहाँ पे इनपुट में 0 डाल के। तो एक चीज याद रखना है, इट्स वेरी सिंपल, अगर 0 है इनपुट तो ये 0 इनपुट दोनों जगह पे अवेलेबल होगा, राइट। ये 0 यहाँ पे आया, ये 0 यहाँ पे आया। अब ड्यू टू बबल, ये बबल क्या करता है, ये उसको ऑल्टर करता है, राइट। ऑल्टर करता है माने इन्वर्ट करता है। तो ड्यू टू दैट बबल व्हाट विल हैपन इन द आउटपुट, व्हाट दिस पर्टिकुलर पीमॉस विल गिव यू, इट विल कन्वर्ट 0 to 1, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे तो बबल नहीं है तो ये इसमें क्या करेगा, इसमें ये पास कर देगा,
तो ये क्या पास कर देगा, जो वैल्यू इनपुट में था। तो सिमिलरली यहाँ पे जीरो इनपुट में है तो ये पास कर दिया आउटपुट जीरो में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वन हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, राइट। तो ये आउटपुट किसके साथ कनेक्टेड है, उससे मेरा ये आउटपुट आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू सी दैट दिस आउटपुट हाउ इट इज कनेक्टेड टू वीडीडी, दैट इज सप्लाई, जो सप्लाई के साथ कनेक्टेड है और उसमें जो वैल्यू अपीयर होता है वही मेरा आउटपुट है, ठीक है। सो यहाँ पे आउटपुट के साथ मेरा वीडीडी का कनेक्शन बनाना है, आउटपुट के साथ तो ग्राउंड का कनेक्शन नहीं होगा क्योंकि ग्राउंड इट इज ऑलवेज ग्राउंडेड। तो मेरा जो आउटपुट है ये आउटपुट में और वीडीडी जो सप्लाई है ये दोनों कनेक्शन में क्या वैल्यू अपीयर हो रहा है, वन का वैल्यू अपीयर हो रहा है, क्योंकि ये वन जो है ये वन पास हो रहा है, मतलब ये ट्रांजिस्टर जो है ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया। और ये जो जीरो है, जीरो पास हुआ मतलब ये ऑफ हो गया, ये याद रखो, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी वन। प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर वन थिंग, अगर मॉस्फेट में वन पास होता है, वन पास हुआ मतलब ये तुमको वन दिया और नीचे वाला जो तुम्हारा ये एनमॉस है ये तुमको जीरो दिया। द मोमेंट द अपर पीमॉस इज गिविंग यू वन, दिस मीन्स दैट दिस पीमॉस गोज ऑन, राइट। सिमिलरली हियर द एनमॉस इज गिविंग यू जीरो, दैट मीन्स द एनमॉस गोज ऑफ। तो अगर ये ऑफ हो गया तो ये ओपन सर्किट हो गया, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या बेसिक साइंस में, बेसिक इंजीनियरिंग में या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सिखाया जाता है कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। तो ये जीरो है मतलब ये ऑफ हो गया। तो ये सर्किट मेरा कैसा बना, मोटा मोटी मैं ये बोल सकता हूं कि सर्किट मेरा ऐसा टाइप का बना, ये होगा शॉर्ट सर्किट और इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। तो ये वाला चीज यहां पे हो गया क्योंकि ये जीरो पास कर रहा है, तो दिस विल गोज ऑफ और यहां पे ये ऑन हो गया। तो मेरा सर्किट किससे कनेक्ट हुआ, मेरा जो आउटपुट है ये कौन सा लाइन से कनेक्ट हुआ, मेरा आउटपुट ऐसे कनेक्ट हुआ इस लाइन के साथ, राइट। तो इस लाइन के साथ जो कनेक्ट हुआ, यहाँ पे कौन सा वैल्यू अपीयर कर रहा है, ये आउटपुट में कौन सा वैल्यू अपीयर करेगा, वीडीडी वैल्यू अपीयर करेगा। तो वीडीडी का वैल्यू क्या है, अगर एनालॉग में पूछोगे तो वीडीडी का वैल्यू है +5 वोल्ट। अगर डिजिटल में हम लोग पूछते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है वो है डिजिटल स्विच, तो लेट अस स्टिक ऑन डिजिटल पार्ट ओनली। सो द आउटपुट विल स्टिक ऑन टू द डिजिटल कनेक्शन। सो वीडीडी को अगर हम लोग डिजिटल में बोलते हैं तो उसका ऑप्शन क्या है, वीडीडी माने क्या है, इट इज वन। सो इन द आउटपुट व्हाट वैल्यू विल अपीयर, वन विल अपीयर, किसके लिए, इनपुट जीरो के लिए। तो देखो हम लोग ट्रूथ टेबल में इसको देखते हैं, केस वन सेटिस्फाई हुआ, ठीक है। तो सिमिलरली केस टू आप लोग घर में कर सकते हैं, केस टू में क्या होगा, केस टू में यहाँ पे वन है तो घर में यहाँ पे यही सर्किट बना के घर में आप चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैं वन देता हूं, अगर इसको ब्लू लाइन से करते हैं, ठीक है, ब्लू पेन से करते हैं, ये केस वाला, ये केस सेकंड वाला केस। तो अगर यहाँ पे मैं वन देता हूं, ठीक है, सिमिलरली इफ इट इज वन देन ड्यू टू बबल व्हाट विल अपीयर हेयर, जीरो, और ड्यू टू नॉट बबल सिंस नो बबल इज देयर तो ये पास करेगा वन, ठीक। तो कौन सा सर्किट ऑन और कौन सा सर्किट ऑफ हो गया, ये जीरो है तो ऊपर वाला जो सर्किट है ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो गया, और नीचे वाला जो सर्किट है ये ऑन हो गया। तो इट्स वेरी इजी। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि आउटपुट किसके साथ कनेक्टेड है, ये सर इस लाइन से कनेक्टेड है, माने ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। सिंस द आउटपुट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, सो द आउटपुट विल फेच व्हिच वैल्यू, ग्राउंड वैल्यू। तो ग्राउंड वैल्यू का, व्हाट इज द ग्राउंड वैल्यू, वी ऑल नो ग्राउंड वैल्यू मीन जीरो। तो यहाँ पे वन के लिए आउटपुट में क्या अपीयर होगा, जीरो। सो द सेकेंड केस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो इसी तरह दस वी कैन से दैट यूजिंग ए मॉस, तो मॉस तो नहीं है एक्चुअली, सी मॉस दैट इज कॉम्प्लीमेंटरी मॉस। सो यूजिंग ए कॉम्प्लीमेंटरी मॉस हाउ इजिली वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंटरी मॉस कैन बी एक्टेड एज ए डिजिटल स्विच। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी एंट्रेंस एग्जाम्स, यू विल गेट टू सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो फॉर मोर वीडियोज ऑफ सच यू प्लीज गो थ्रू माई चैनल डी ऑन माई प्लेट, जहां पे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई का काफी सारा वीडियोज है। इफ यू लाइक इट यू प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कंटिन्यू टू वॉचिंग मोर वीडियोज लाइक दिस। होप दिस विल श्योरली हेल्प यू इन प्लेसिंग सम काइंड ऑफ नॉलेजेस एज फार एज द मॉस्फेट इज कंसर्न, इट इज अ वेरी बूमिंग टॉपिक ऑफ योर नाउ ए डेज करिकुलम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।